हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है आपका। होप सो आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम रॉयल इनफील्ड की न्यू लॉन्च इंटरसेप्टर बेयर 650 के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे क्या इसका ऑन रोड प्राइस होने वाला है और क्या कैसे बाइक में आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरह की मिलेगी हमको वेव की, यहाँ पे रॉयल इनफील्ड की बैजिंग है क्रोम में। अभी हमारे सामने खड़ा हुआ वाइल्ड हनी और इसमें चार वेरिएंट आते हैं। कलर का फ़र्क है, 249 सबसे टॉप वेरिएंट है और ग्रीन पेट्रोल सबसे बेस वेरिएंट है। एक ये वाइल्ड हनी सेकंड वेरिएंट है। एक वेरिएंट और आता है गोल्डन शैडो, जिसके आपको यूएसडी सस्पेंशन जो है गोल्डन मिल जाएंगे और बाइक ब्लैक मिलेगी। दूसरा कलर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये है गोल्डन शैडो जिसके आपको यूएसडी सस्पेंशन गोल्डन कलर के मिलेंगे और बाइक ये ब्लैक कलर की। सबसे पहले हम बाइक की फ्रंट से बात करेंगे। फ्रंट में आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपको 19 इंच के स्पोक सील वाले टायर देखने को मिल जाएंगे, ब्लॉक टायर्स देखने को मिलेंगे। फ्रंट टायर का साइज 100 सेक्शन का मिल जाएगा। फ्रंट में आपको काफ़ी बड़ा डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा 320 mm का, ये देखिए। और यहाँ पे आपको बाइबर के ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाएंगे और इस बाइक में आपको यहाँ पे 43 mm के USG सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे जो ट्रैवल करता है 130 mm का। और इस कलर में आपको यहाँ पे ब्लैक USG सस्पेंशन मिलेंगे देखने को, जिसपे साइड में रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। इधर आपको व्हाइट कलर का फेंडर मिल जाएगा जो कि प्लास्टिक का होने वाला है। फ्रंट में आपको LED हेडलाइट देखने को मिल जाएगी, लो बीम और हाई बीम, कोई भी डीआरएल नहीं आता यहाँ पे। बीच में आपको रॉयल इनफील्ड की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, नीचे आपकी नंबर प्लेट हो गई। टायर मैंने आपको दिखा दिया। आपको LED हेडलाइट के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे LED इंडिकेटर देखने को मिलेंगे और काफ़ी सारी यहाँ पे 10 से 12 LED इसमें देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से ये काफ़ी ब्राइट। इधर आपको आपका ऑयल कूल सिस्टम देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आपका जो 650 cc का इंजन है वो कूल करेगा। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एग्जॉस्ट है वो यहाँ पे 2:1 है। दो पाइप जो हैं दोनों तरफ से इधर आके एक साइलेंसर में जा रहे हैं। साइलेंसर का साउंड मैं आपको सुनाऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं हैंडल की। हैंडल काफ़ी वाइड दिया हुआ है और इस तरफ आप देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम वाले जो बटन आते हैं रॉयल इनफील्ड के, वो वाले बटन देखने को मिल जाएंगे। ये आपका हैजर्ड का बटन हो गया, ये आपका सेल्फ स्टार्ट का बटन हो गया, ये आपका हेडलाइट का बटन, ये इंडिकेटर, हॉर्न और ये आपका जो है जॉयस्टिक हो गई आपके मीटर को सेट करने के लिए। की को ऑन कर लेते हैं, यहाँ पर आपकी की लगेगी। ऑन करते हैं यहाँ पे आपको इंटरसेप्टर बेयर 650 लिखा हुआ आएगा। मीटर आपको सेम हिमालयन वाला और गरीला वाला देखने को मिल जाएगा। 4.5 इंच की TFT कलर डिस्प्ले है। यहाँ पे आपको नेविगेशन सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा और इस बाइक में आपको ना स्विचेबल ABS भी मिलेगा, क्योंकि यार स्क्रैम्बलर बाइक है तो ABS स्विचेबल यहाँ पर होना एक तरह से मैंडेटरी है। हैंडल के बीचों बीच आपको यहाँ पे रोड भी देखने को मिल जाएगी, जो कि आपका ना हैंडल की वाइब्रेशन कम करने में हेल्प करेगी। इधर देख सकते हैं आपको लीवर एडजस्टेबल देखने को मिल जाएंगे, लेवल को आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्लिप असिस्ट क्लच देखने को मिल जाएगी, पहले के मुकाबले जो है काफ़ी लाइट है। कुछ इस शेप का आपको टैंक देखने को मिलेगा। टैंक की जो कैपेसिटी है वो 13.7 लीटर होने वाली है 650 की बाइक के हिसाब से। मेरे ख्याल से थोड़ी सी और ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि इसकी जो माइलेज है वो 25 to 30 के आसपास ही आपको निकाल के देगी। तो एक टैंक में आप तकरीबन 400 किलोमीटर के आसपास इस बाइक को ले जा सकते हैं। रेट्रो स्टाइल सीट देखने को मिल जाएगी इस वाले कलर में आपको। यहाँ पे ब्लू कलर की सीट देखने को मिलेगी और काफ़ी प्रीमियम सीट ये लग रही है। कैमरा शायद जस्टिस ना करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ होल टाइप के हैं और ये वाइट कलर की पाइप देके कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बनाया गया है सीट पे। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ग्रैब रेल देखने को मिल जाएगा और पीछे की तरफ कुछ इस तरीके की LED टेल लाइट देखने को मिल जाएगी LED इंडिकेटर्स के साथ। नीचे भी आपको यहाँ पे नंबर प्लेट की लाइट जो है वाइट कलर की LED मिलेगी। तो इंजन की बात करते हैं, इंजन आपको सेम आपको 648 cc का ऑयल कूल इंजन देखने को मिल जाएगा, 6 gear के साथ ही आता है और जो पावर प्रोड्यूस करता है ना पहले से थोड़ी सी ज़्यादा हुई है। 47.4 bhp प्रोड्यूस करेगा और जो टॉर्क है वो पहले से 4 Nm टॉर्क ज़्यादा होगा, 56.7 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करना है। फुट पैक्स हैं वो कुछ इस तरीके से दे गए हैं। आप ये रबड़ को हटा के अपने जो है पैरों को और भी ज़्यादा स्टिफ कर सकते हैं। ये देखिए आपका ब्रेक लीवर हो गया, पीछे का जो आपका पिलियन का फुटरेस्ट है वो कुछ इस तरीके का है फोल्डेबल। साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इंटरसेप्टर बेयर 650 की बैजिंग देखने को मिलेगी और ये वाला पार्ट प्लास्टिक होने वाला है। रेयर में आपको डुअल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे कोई मोनोशॉक नहीं है। मोनोशॉक दे देते तो ज़्यादा अच्छा रहता एक स्क्रैम्बलर बाइक के हिसाब से। बाकी इसका जो ट्रैवल है वो 115 mm के आसपास है, काफ़ी है ना छोटा सा एग्जॉस्ट है स्क्रैम्बलर बाइक के हिसाब से। अब मैं आपको एग्जॉस्ट का साउंड सुना देता हूँ। एग्जॉस्ट बेसिक से एक हो गया, लेकिन जो साउंड है ना वो बहुत ज़्यादा डीप है और काफ़ी ज़्यादा बेसी है। पीछे वाले टायर का साइज़ मैं दिखा देता हूँ आपको, 140 सेक्शन का है और 17 इंच के ये व्हील होने वाले स्पोक्स व्हील। पीछे से टायर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा
ब्लॉक पैटर्न वाले आपको टायर देखने को मिल जाएंगे। रियर साइड आपको स्विचेबल ईबीएस देखने को मिल जाएगा, बाइबर के डिस्क ब्रेक है, 270 mm का यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा सा यहाँ पे सारी गार्ड दिया गया है जो कि बाइक की लुक के साथ जा रहा है। इसको हटाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अगर बाई चांस नहीं चाहते आप हटाना। ये आपका प्लेन का फुट रेस्ट हो गया, ये राइडर का फुट रेस्ट, और ये आपका गियर लीवर हो गया। 6 गियर आपको इस बाइक में मिल जाएंगे, और इस बाइक में आपको सिंगल स्टैंड मिलेगा, डबल स्टैंड इस बाइक में आपको नहीं मिलने वाला। अब हम इस बाइक के ओवरऑल वेट, सीट हाइट और ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस बाइक का ओवरऑल वेट जो है ना 216 kg होने वाला है, जो कि अच्छा खासा माना जाता है। अगर आप पतले दुबले हैं और हाइट आपकी कम है ना, तो ये बाइक आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस बाइक को आप लेना चाहते हो तो आपकी हाइट कम से कम भी 5'7" 5'8" से ऊपर होनी चाहिए, तब आप इस बाइक को मनोबल कर पाएंगे। क्योंकि मेरी हाइट 5'8" 9" के आसपास है, मेरे पैर यहाँ पर टिपटो कर रहे हैं, पूरे टे नहीं टिक रहे। तो अगर आपकी हाइट 5'2" 3" 4" 5" तक भी है ना, 6" भी है, तो इस बाइक को ना लेने की सोचें। उससे ऊपर के बंदे इस बाइक को आराम से ले सकते हैं, क्योंकि यार इस स्क्रैम्बलर बाइक है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। 184 mm इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस होने वाला है, जो कि एक मिनी एसयूवी के बराबर है, और 130 mm इस बाइक की सीट हाइट होने वाली है, जो कि अच्छी खासी मानी जाती है। क्योंकि स्क्रैम्बलर बाइक है तो यार ऑब्वियसली इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस और सीट हाइट है ज़्यादा होगी। तो ये तो हो गए ओवरऑल इस बाइक के बारे में बातें। अब मैं इसका ऑन रोड प्राइस बताता हूँ आपको दिल्ली में कितने पड़ने वाला है। और इस बाइक में आपको 4 वेरिएंट देखने को मिलेंगे। वेरिएंट का जो फ़र्क है वो कलर के हिसाब से होगा। तो जो टॉप वेरिएंट है ना, वो आपको यहाँ पे 4,12,000 रुपये के आसपास पड़ेगा। और वो जो जिस नाम से आता है 249 यहाँ पे लिखा हुआ आएगा उस बाइक में, इंटरसेप्टर की बैजिंग में होगी, 249 लिखा हुआ है। काफ़ी अच्छा कलर है, आप मैं यहाँ पे साइड में फोटो डाल के दिखा दूंगा चारों वेरियंट के। तो 3,90,000 रुपये से बाइक स्टार्ट होती है ऑन रोड दिल्ली में, 4,12,000 रुपये के आसपास जाएगी। ये वाली जो बाइक है इसका 3,96,000 रुपये आपको ऑन रोड दिल्ली में पड़ जाएगा। तो गाइस ये था वॉक अराउंड वीडियो, क्या क्या इस बाइक में मिलता है, क्या क्या ऑफर होता है और क्या इसका ऑन रोड प्राइस होने वाला, वो सब मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको आपकी सिटी के हिसाब से ऑन रोड प्राइस पता करना है तो नीचे कमेंट में सिटी का नाम डाल देना, मैं आपको आपकी सिटी का ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पर मुझे मैसेज करके आप अपनी सिटी का नाम बता देना, आपसे ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी वीडियो कैसी लगी। बाकी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, वहाँ पर मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ। मिलते हैं फिर किसी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।